मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसी में से एक टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे भी हैं। दमोह विधानसभा सीट से पार्टी ने उन्हें उतारा है। कुछ वक्त पहले ही चाहत ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उनका कहना है कि वो अपने जन्म स्थली के विकास के लिए काम करना चाहती हैं और लोगों की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए वो राजनीति में आई हैं। चाहत पांडे के बैकग्राउंड की बात करें तो चाहत पांडे का जन्म दमोह के चंडी चोपड़ा गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई थी। चाहत ने शुरुआती शिक्षा गांव से ही हासिल की, फिर जबलपुर स्थित आदर्श स्कूल से उन्होंने 10वीं पास की। दमोह के JPV स्कूल में 12वीं तक पढ़ने के बाद उन्होंने इंदौर के बालाजी ग्रुप से अभिनय की ट्रेनिंग ली। उसके बाद चाहत ने मुंबई का रुख कर लिया। चाहत पांडे ने साल 2016 में टीवी सीरियल में कदम रखा और पवित्र बंधन नाम के एक धारावाहिक से शुरुआत की। उन्होंने द्वारिकाधीश, तेनाली राम और राधा कृष्ण जैसे कई सीरियल्स में भी काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाहत पांडे साल 2020 में पारिवारिक विवाद के चलते अपनी मां के साथ जेल की हवा भी खा चुकी हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने मामा के घर में घुसकर मां और दो नाबालिग भाइयों के साथ तोड़फोड़ और मारपीट की। केस दर्ज होने के बाद चाहत काफी वक्त तक फरार रहीं, लेकिन बाद में पुलिस ने हिरासत में लेकर चाहत को कोर्ट में पेश किया और फिर अदालत ने चाहत पांडे को जेल भेज दिया। हालांकि भाइयों के नाबालिग होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। कुछ वक्त पहले चाहत पांडे ने कहा था कि वो दमोह विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी तक उनका एक्टिंग का जो शौक था उसे उन्होंने मुंबई में जाकर पूरा कर लिया है। इतने सालों में उन्होंने देखा कि लोगों ने BJP और कांग्रेस को कई मौके दिए, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने दमोह के लिए कुछ भी नहीं किया। फिलहाल चाहत पांडे दमोह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। दमोह विधानसभा सीट एक समय BJP का गढ़ हुआ करती थी। BJP के दिग्गज नेता जयंत मलैया यहां से 1990 से 2013 तक लगातार विधायक रहे। फिर 2018 में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद वो BJP में शामिल हो गए और उपचुनाव में फिर से कांग्रेस को जीत मिल गई। इस बार देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या चाहत पांडे इस सीट से चुनाव जीत पाती हैं या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।